ये वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट फोर है अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज एन एटम हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग तो क्या आपने कभी एक राजमिस्त्री को बिल्डिंग बनाते हुए देखा है आप देखेंगे कि वह बिल्डिंग बनाते समय पहले तो एक वॉल का फॉर्मेशन करता है इन वॉल्स को मिलाने पर रूम बनता है और इन इन रूम्स को मिलाने पर बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है वाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग तो आप देख क्या आप बता सकते हैं कि इस ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बनाने वाला वह वा छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है वट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल यदि एक एंट हिल है बॉम्बी है उसके बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इट इज द इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड तो आप देख सकते हैं कि यदि हम यह एक्सप्लोर करें कि यह जो बिल्डिंग है उसको बनाने का वह छोटा से छोटा कण क्या है तो आप देखेंगे कि यह क्या है एक स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड है सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स ठीक इसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उनको बनाने वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वह क्या है एटम है अब हम लोग देखते हैं हाउ बिग आर एटम्स एटम्स आर वेरी स्मॉल एटम बहुत छोटे होते हैं दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ तो एटम इतने छोटे होते हैं जिनको आप किसी अदर चीज से कंपेयर नहीं कर सकते आप कुछ ऐसा चीज इमेजिन नहीं कर सकते जिसके द्वारा एटम को कंपेयर किया जा सके मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स वेन स्टैक्ट वुड मेक अ लेयर बियरली एज दिस शीट ऑफ पेपर तो आप देख सकते हैं एक सिंपल पेपर का मोटाई मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना हो सकता है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ वन मीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर नाइन नैनोमीटर लिखा हुआ है या फिर इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर इज इक्वल टू वन नैनोमीटर। मीटर इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया वन नाइनो मीटर तो आप देख सकते हैं कि नैनोमीटर कितना छोटा इकाई है और इसका जो एटम का रेडियस हम लोग मेजर करते हैं वह नैनोमीटर में मेजर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग पदार्थों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इनका यदि आप रेडिया ही निकाले मीटर में तो कितना होगा जैसे आप एक वाटर मेलन का रेडियस निकालेंगे तो देखेंगे टेन टू दी पावर माइनस वन मीटर होगा इस प्रकार से आप एक एंट का ग्रेन ऑफ सैंड का रेडियस निकालेंगे तो देखें ग्रेन ऑफ सैंड का जो रेडियाई है वह देखेंगे टेन टू दावर माइनस फोर मीटर होता है और इसी क्रम में जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वह क्या होता है टेन टू दावर माइनस टेन मीटर होता है तब देख सकते हैं ये कितना छोटा होगा वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज वाई शुड वी केयर अबाउट देम तो आप आप सोच रहे होंगे कि यदि एटम इतने छोटे होते हैं जिनका साइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है तो आखिर उनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं उनके बारे में क्यों जानकारी हमको चाहिए दिस इज बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स तो यह इसलिए है कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है वह एटम से ही मिलकर बना हुआ है क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी पे सारी चीज़ें क्या है पदार्थ है और पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है एटम से मिल बना हुआ है वी मे नॉट बी एबल टू सी देम हम लोग उसको नहीं दे सकते बट दे आर देयर वे वहीं पर हैं एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वाट एवर वी डू और कॉन्स्टेंटली वे अफेक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ को जो भी हम लोग कर रहे हैं थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सर्फेसिज ऑफ एलिमेंट शोइंग ऐटम्स तो आज के मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके हम लोग एलिमेंट्स के जो सरफेस है उसका मैग्नीफाइड इमेज ले सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग ऐटम को देख सकते हैं वाट आर द मॉडर्न डे सिम्बॉल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट तो अलग अलग एलिमेंट्स का मॉडर्न डे सिम्बॉल क्या है डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिम्बॉल डाल्टन वे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिम्बॉल यूज किया था एलिमेंट्स के लिए इन अ वेरी साइंटिफिक सेंस वेन ही यूज द सिम्बॉल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मीन अ डिफिनिट क्वान्टिटी ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था शुरू में ही एलिमेंट किस चीज़ के मिल के बना हुआ है एटम से मिलकर बना हुआ है तो जब डाल्टन ने एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट किया तो उनका मीनिंग था एक एटम का सिंबल। बर्जिलियस सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट तो बर्जिलियस ने भी सिंबल के लिए कुछ सजेशन दिए थे और उन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई एलिमेंट है तो उसके लेटर का एक या दो तो उसके नाम का एक या दो लेटर को यूज करके सिंबल बनाया जा सकता है तो यहां से आप देख सकते हैं कोई खास प्रश्न नहीं आते हैं जबकि यहाँ आप देख सकते हैं सिंबल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जैसे कि हाइड्रोजन का ये सिंबल हो गया कार्बन है ऑक्सीजन है फॉस्फोरस है सल्फर है तो कभी कभी यह सिंबल आपको एग्जाम में मिल जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसका सिंबल है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आप इसे कोशिश करें कि याद कर लें तो अब हम चैप्टर के उस भाग में आ गए हैं जहां पर एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उसके बहुत सारे बातों को जानना भी है और याद करना है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार एलिमेंट्स को तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया यहां पर आप देख सकते हैं 118 एलिमेंट्स का वर्णन दिया गया है तो अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस क्लास में क्लास नाइन्थ में आपको क्या किया याद करना होता है तो सबसे पहला चीज़ आपको याद कर लेना होता है कुछ एलिमेंट्स के नाम जो कि देखिए यहां पर दिया गया है आयरन उसका सिंबल आप देख सकते हैं यहां सिंबल है जैसे यह है हाइड्रोजन और इसका सिंबल क्या है एच फिर यहां पर है हीलियम इसका सिंबल क्या है एच ई e. फिर है लिथियम इसका सिंबल क्या है एल आई तो इस प्रकार से यदि जितना तक हो सके पचास साठ जितना तक आप याद कर सकें इसको आपको याद करना है ये पहला आपका टास्क हो गया दूसरा यहीं से आप देख सकते हैं यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एटॉमिक नंबर वन है टू है थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसको आपको याद करना है फिर देख सकते हैं आप एटॉमिक मास है उसको याद करना है तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे, आगे आपको देखने को मिलेगा और बिना इसको याद किए आपका काम नहीं चलने वाला तो आप इसे ज़रूर याद कर लें तो आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि सिम्बॉल है तो सिम्बॉल देख सकते हैं आयरन है तो आयरन के लिए एक सिम्बॉल लिख दिया गया है एफी हाइड्रोजन है तो उसके लिए सिम्बॉल लिख दिया गया है एच लिथियम है तो उसके लिए सिम्बॉल लिख दिया गया एल आई तो आखिर ये सिम्बॉल किस प्रकार से लिखा गया है यही हम लोगों को इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक में पढ़ना है तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलिमेंट्स के नाम के बारे में कि आखिर एलिमेंट्स का नाम कैसे पड़ा उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्स का सिम्बॉल कैसे पड़ा इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वे आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम तो शुरुआत में जो एलिमेंट्स का नाम रखा गया जहाँ से उनका खोज हो गया उसी के नाम पर उनका नाम रख दिया गया फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस कॉपर का खोज साइप्रस में हुआ तो उसका नाम क्या पड़ गया कॉपर सब नेम्स वे आर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर कुछ नाम कलर के आधार पर भी रख दिया गया जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गोल्ड का नाम गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो तो गोल्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता था येलो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया गोल्ड लेकिन आज के दिनों में आयु पैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूवस नेम ऑफ एलिमेंट तो आयु पैक एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपलाइड केमिस्ट्री वही अब एलिमेंट के नाम को अप्रूव करता है तो यहां से आपका एक प्रश्न आ जाएगा आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है अभी तक आपने देखा कि बहुत कम प्रश्न हम लोगों को मिल रहे हैं याद करने को क्योंकि इस चैप्टर में आगे से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अब हम देखते हैं कि इनके सिंबल को कैसे रखा गया है मैनी ऑफ द सिम्बॉल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके सिंबल में आपको पहला और दूसरा लेटर देखने को मिलेगा द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज अ कैपिटल लेटर अपर केस में लिखते हैं एंड द सेकेंड लेटर एज स्मॉल लेटर और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं लोअर केस में लिखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में सिर्फ एक लेटर को लिया गया है H, जबकि एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं AL, तो AL एल यहाँ पर लिया गया है A कैपिटल में है और L क्या है स्मॉल लेटर में है एल इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते हैं यहां भी देख सकते हैं कोबाल्ट में पहला लेटर और ये दूसरा लेटर को लेके बनाया गया है तो सी ओ पहला है कैपिटल और दूसरा क्या है स्मॉल लेटर है जबकि यहां पर ये सी ओ का मतलब कुछ दूसरा ही हो जाएगा सी मतलब, जाए मतलब हो जाएगा कार्बन और ओ मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन तो यह एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप थोड़ा ध्यान दे के इन सब चीजों को लिखेंगे जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में सी ए सी ओ थ्री हम लोग लिखते हैं ओ भी कैपिटल होता है और सी भी कैपिटल होता है क्योंकि यह है कार्बन और ये क्या है ऑक्सीजन फिर हम लोग इसे दर्शाते हैं इस प्रकार से सिम्बॉल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्लोरीन है तो सी एल तो सबसे पहले तो हम लोग पहला लेटर लेते हैं और उसके बाद कुछ और लेटर को यहाँ ले सकते हैं जैसे कि पहला हो गया सी और दूसरा क्या हो गया एल इसके बाद जिंक में आप देख सकते हैं शुरुआत का लेटर लेते हैं और उसके जस्ट बाद का लेटर नहीं लेते हैं लेकिन कुछ और आगे के लेटर को लेते हैं जैसे कि एन तो ये हो गया जेड एन अदर सिम्बॉल्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन तो ये वाला आपको याद रखना है इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं जर्मन और ग्रीक तो बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जिनको एलिमेंट के लैटिन नेम जर्मन नेम या ग्रीक नेम से भी लिया गया है जैसे कि एग्जाम्पल है द सिंबल ऑफ आयरन एफी फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम तो एफी जो सिम्बॉल लिया गया है आयरन का वह फेरम से लिया गया है तो आप देखेंगे कि आपके पास यदि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होगा तो उससे ये एक पूरा चार्ट दिया गया है उसको आप याद कर ले छः सात नाम दिए गए हैं वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एन में जो नाम दिया गया उसे आप जरूर याद करें सोडियम के लिए हम लोग सिम्बॉल एन यूज़ करते हैं तो Na क्यों यूज़ करते हैं तो यह आया है नेट्रियम से पोटेशियम के लिए हम लोग के यूज करते हैं तो यह आया है कैलियम से देयर each ईच एलिमेंट हैज नेम एंड यूनिक केमिकल सिम्बॉल तो प्रत्येक एलिमेंट का हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उसका नामकरण हुआ है और साथ ही साथ उसका एक खास सिम्बॉल भी है तो आपको एलिमेंट सारे एलिमेंट के नाम तो याद नहीं रखने हैं लेकिन कुछ एलिमेंट्स के नाम जरूर याद रखने हैं और उसके सिम्बॉल को तो एकदम नहीं भूलना है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स दिए गए हैं तो आप कोशिश करें कि इनको याद कर लें और नहीं तो कुछ दिनों के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे आप जब इसका यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको यह या जरूर याद हो जाएगा तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद यह वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट फाइव है और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जैसे देखा कि अब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं एलिमेंट का सिंबल क्या है इसके बाद उसका एटॉमिक नंबर क्या है एटॉमिक मास क्या है इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है तो अब जैसे कि एटॉमिक मास आपको याद भी करना है अब देख सकते हैं ये है आयरन तो आयरन का ये देख सकते हैं सिंबल है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर एटॉमिक मास है तो यहाँ देख सकते हैं आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासज़ यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको याद भी करना है तो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस को तो याद नहीं करना है लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को जरूर आपको याद कर लेना है तो लगभग तीस तक यहाँ तक आप उसको याद कर ले और कुछ कुछ बीच वाले को भी आप याद कर सकते हैं तो अभी हम लोग एटॉमिक मास टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ में एटॉमिक मास को निकाला गया एटॉमिक मास द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू हिम इच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास तो डाल्टन एटोमिक थ्योरी से हम लोगों को एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मिला इच एलिमेंट हैड करेक्टरिस्टिक एटोमिक मास उनके अनुसार प्रत्येक एलिमेंट का एक करेक्टरिस्टिक एटोमिक मास होता है द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वेयर प्रमोटेड टू मेजर द एटोमिक मास ऑफ़ एन ऐटम तो जैसे हम लोगों ने देखा था डाल्टन सीटॉमिक थ्योरी के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया गया था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो एटम्स होते हैं वे फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास कंबाइन होते हैं और उंड का फॉर्मेशन करते हैं सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव एटोमिक मासेजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म तो इंडिविजुअल एटम का एटोमिक मास निकालना इतना आसान नहीं था इसीलिए रिलेटिव एटोमिक मास का यूज किया गया तो रिलेटिव एटोमिक मासजर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म्ड इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया गया बाय यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड तो जो कंपाउंड बनते गए और उस प्रकार से जो एटम्स थे उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया गया जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है अब आगे की बातों को आप बड़ा ध्यान से समझें लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड चलिए हम एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोक्साइड सी ओ फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है इट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट थ्री ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि कार्बन का यदि तीन ग्राम यूज होता है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम यूज होगा चार ग्राम तो आप देख सकते हैं यदि कार्बन का तीन ग्राम और ऑक्सीजन का चार ग्राम मिलेगा तो यह क्या बना देगा कार्बन मोनोक्साइड बनाएगा तो यदि आप यहां ध्यान से देखें तो कार्बन का सिर्फ तीन ग्राम यूज हुआ है सिर्फ तीन ग्राम जबकि ऑक्सीजन का कितना ग्राम यूज हुआ है चार ग्राम तो रिलेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुआ है और कार्बन यहां कम यूज हुआ है तो रिलेटिवली यदि निकालें तो ऑक्सीजन कितना ग्राम यूज हो जाएगा तो फोर बाय थ्री गुना यह यूज होगा इसका मतलब है वन पॉइंट थ्री थ्री गुना यूज होगा बड़ा सा बड़ा सिंपल इक्वेशन है यह है तीन ग्राम यह है चार ग्राम मतलब इसके कंपैरिजन में यदि इसको हम लोग वन मान लें इसको हम लोग क्या मान लें वन तो यह कितना यूज हुआ वन इसे हम लोग टू मान लें तो ये कितना हो गया टू पॉइंट सिक्स सिक्स इसे हम लोग तीन मान लें तो ये कितना यूज हो गया लगभग चार यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि यदि इसका तीन ग्राम यूज होता है तो इसका चार ग्राम इसका दो ग्राम तो इसका टू पॉइंट सिक्स सिक्स ग्राम और यदि इसका एक ग्राम यूज होता है तो इसका कितना यूज होगा वन पॉइंट थ्री थ्री ग्राम इसका मतलब रिलेटिवली कार्बन के रिलेटिव या ऑक्सीजन क्या हो गया 1.33 यदि कार्बन यहाँ वन है तो ऑक्सीजन क्या हो गया 1.33 तो यदि मान लीजिए कि कार्बन का मास हम लोग यहाँ वन यूनिट ले लेते हैं कार्बन का मास यहाँ वन यूनिट हम लोग फिक्स कर दिए कि कार्बन का मास कितना होता है वन यूनिट तो अब बताइए कि इसके रिलेटिव में ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा वन यूनिट अब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे इसी प्रकार से जब हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का कम्बिनेशन करा के मास निकालते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालना रिलेशन में हम लोग एटॉमिक मास को निकाल रहे हैं तो जैसे कि ये वन यूनिट था तो ये क्या हो गया 1.33 यूनिट इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन के रिलेशन में हम लोग ऑक्सीजन का मास निकाल लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्हीं बातों को लिखा गया है तो मैं इन बातों को पढ़ के आपको नहीं बताने वाला क्योंकि पहला इससे एग्जाम में प्रश्न तो आते नहीं है और दूसरा आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ एटोमिक मास यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है अर्लियर इसको हम लोग ए एम यू कहते थे लेकिन अकॉर्डिंग टू आई यू पैक रिकोमेंडेशन इट इज नाउ रिटर्न एज यू अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं यू बोलते हैं तो जो मैंने बात आपको बताया वह आगे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा यहां आप देख सकते हैं यदि हम लोग कार्बन को वन यूनिट एटॉमिक मास हम लोगों ने दिया था तो उसके रिलेशन में हम लोगों ने ऑक्सीजन को कितना एटॉमिक मास दिया 1.33, ठीक है वही बात यहां लिखा हुआ है हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर एज होल नंबर और एज नियर टू अ होल नंबर एज पॉसिबल तो यदि होल नंबर हो या नियर टू होल नंबर हो तो ज्यादा यह आसान लगेगा वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक वन बाय सिक्सटीन ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचरलीक्सीजन एज यूनिट तो साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग एटोमिक मास यूनिट को सर्च किया और साइंटिस्ट इनिशियली टूक वन बाय सिक्सटीन ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट और साइंटिस्ट लोग ने क्या किया जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन था उसके मास का एक बटा सोलहवा भाग को यूनिट माना यूनिट माना मतलब इसी को अब लेकर इसी के कंपैरिजन में मास को कैलकुलेट किया जाएगा तो यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों उन्होंने ऑक्सीजन को यूनिट के रूप में क्यों माना दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू टू रीजन तो यह रिलेवेंट दिखता है दो रीजन से तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंडस तो हम लोगों ने देखा यह जो रिलेटिव मास निकाला जा रहा है वह कैसे निकाला जा रहा है केमिकल कंबिनेशन के द्वारा यदि केमिकल कम्बिनेशन कराया जाएगा मतलब अलग अलग प्रकार के केमिकल्स कम्बाइन करेंगे और जिस रेशियो में कम्बाइन करेंगे उस उसका उपयोग करके हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन आसानी से बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन कर जा रहा था और ये आसानी से बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो आसानी से फिर एटॉमिक मास निकाला जा सकता है दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर और इसका उपयोग करके यदि एटॉमिक मास निकाला जा रहा था तो वह ज़्यादा हमें होल नंबर में प्राप्त हो रहा था तो यही वह दो रीजन है जिसके कारण ऑक्सीजन को यूज किया गया हावेबर इन नाइनटीन सिक्सटी वन फॉर एक्सेप्टेड एटोमिक मास यूनिट कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप चूज एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटोमिक मास लेकिन उन्नीस में कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए फिर से मैं पढ़ दूं। इन 1961 सिक्सटी वन फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप वॉज चूजेड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटोमिक मासेस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप को चुना गया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्थ तो मैं बता रहा हूं बड़ा ध्यान से पढ़िए तभी आपको यह समझ में आएगा क्योंकि यहां से आपका प्रश्न आएगा व्हाट इज ए एम यू एटोमिक मास यूनिट जिसे हम लोग अभी यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहां से प्रश्न जो मैं से मैंने बताया व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट या फिर व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे आप याद कर सकते हैं तो चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या लिखा गया है वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट यह क्या है एक मास का यूनिट है बस इतना ही से आपको ध्यान रख फिर से देखते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट यह एक मास यूनिट है इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व तो कार्बन ट्वेल्व का कार्बन ट्वेल्व का आपको एक मास ले लेना इसका कुछ भी मास होगा इसका एक बटा बारहवा भाग आपको कर देना है कार्बन ट्वेल्व का जो मास है उसका क्या कर देना एक भाग एक बटा बारहवा भाग करना है और इसके रिलेशन में अब मास आपको दूसरे का बताना है देखिए कितना टफ है वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली वन ट्वेल्व द मास ऑफ वन ऐटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व तो कार्बन ट्वेल्व का जो मास है उसके एक बटा बारहवें भाग का जो मास होगा वही हम लोग क्या बोलेंगे मास यूनिट या फिर वन एटॉमिक मास समझ गए द रिलेटिव एटोमिक मासज ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बिन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व और इसी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग क्या करेंगे किसी दूसरे का मास को निकालेंगे फिर से मैं बता दूं कार्बन का एक एटम लेंगे इसका एक बटा बारहवा भाग करेंगे अब जो भी चीज़ हमारे पास आया उसी के रिलेशन में किसी दूसरे एलिमेंट का किसी दूसरे एटम का हम लोग मास ज्ञात करेंगे ठीक है नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूं यहां आप देख सकते बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है मान लीजिए यह है कार्बन यह क्या है आपका कार्बन तो इस कार्बन का यह वाला क्या हो गया एक बटा बारहवा भाग निकाल लिया हम लोगों ने यह क्या हो गया एक बटा बारहवा भाग और इसी के रिलेशन में मतलब यही अब एक आपका तौल हो गया अब इसी के रिलेशन में दूसरे चीजों का हम लोग को क्या निकालना है मास निकालना है कार्बन कार्बन का एक बटा बारहवा भाग और इसी के रिलेशन में कोई एटम कितना भारी है या हल्का है उसे हम लोग को क्या करना है निकालना है इसे ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास तो यहां से भी आपका एक प्रश्न आएगा व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास आंसर कर सकते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू वन ट्वेल्व द मास ऑफ वन एट कार्बन एटम तो इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्बन का एक, एक एटम लेंगे उसके कार्बन ट्वेल्व का एक, एक, एक एटम लेंगे उसके वजन का एक बटा बारहवा भाग निकालेंगे और उसके रिलेशन में जब किसी एटम का मास निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया गया है उसको आपको याद कर लेना है आप देख सकते हैं इस भाग को मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि यहां से कोई प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं और ये जो मैंने समझाया वही बात यहां पर लिखी गई है तो आप इसे खुद से ही पढ़ सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट धन्यवाद वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट सिक्स है अब हम देखते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट एटम किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है मैटर एलिमेंट का बना होता है और एलिमेंट किस चीज का बना होता है एटम का बना होता है तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस तो एटम क्या फॉर्म करते हैं या तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं या तो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आयंस क्या होते हैं दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी तो यही मॉलिक्यूल्स या आयन लार्ज नंबर में जब एग्रीगेट होंगे तो हम लोग हम लोगों को मैटर का फॉर्म मिलेगा जिसे हम लोग देख सकते हैं फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं अब हम देखते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो मॉलिक्यूल क्या होता है जब दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकली uh, बॉन्डेड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोजन एक एटम हो गया और एक हाइड्रोजन एटम हो गया जब ये बॉन्ड होगा एक दूसरे से तो ये बनाएगा H2 टू मॉलिक्यूल इस प्रकार से आप देख सकते हैं कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपस में बॉन्ड होगा तो क्या बना देगा CO2 का मॉलिक्यूल और भी उदाहरण ले सकते हैं एच जैसे कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है जब ये आपस में बॉन्ड करेंगे तो क्या बनाएंगे एच मॉलिक्यूल सोडियम है और क्लोरीन है तो ये एटम्स हैं इससे आयन पहले बनता है ये सारी बातें आप क्लास टेन में भी पढ़ेंगे तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे इसी प्रकार देख सकते हैं आप ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है ये दोनों मिलेगा तो मिलके क्या बनाएगा ओ टू का फॉर्मेशन करेगा तो आप देख सकते हैं एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और ये मिलते कैसे हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड जिसके बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे यहां से आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल का डिफिनेशन दिया गया है अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टांस तो यदि एग्जाम में आएगा तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं तो यहां से आपका प्रश्न हो गया व्हाट इज अ मॉलिक्यूल इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन दिया गया है मॉलिक्यूल है वह इंडिपेंडेंटली रह सकता है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं या तो वो मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं या तो वो आयंस के रूप में रहते हैं अ कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट तो एलिमेंट का यह क्या हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया या फिर कंपाउंड का क्या हो गया यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया जो कि इंडिपेंडेंट रूप में रह सकता है जैसे कि एस क्या हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया ओ क्या हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया एस क्या हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया एन क्या हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया? गया तो आप देख सकते हैं यह एलिमेंट फॉर्म में यह जो O2 है H2 है N2 है ये किस फॉर्म में है एलिमेंट फॉर्म में है जबकि H2O टू क्या है कंपाउंड के फॉर्म में है तो देख सकते हैं आप एलिमेंट फॉर्म में यहां पर ओ टू एक मॉलिक्यूल हो गया और कंपाउंड के फॉर्म में H2O क्या हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जैसे कि मैं थोड़ा विस्तार करके बताता हूं हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन किस रूप में मौजूद है O2 के रूप में मौजूद है मतलब O2 मॉलिक्यूल के रूप में मौजूद है फिर से बताता हूँ हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट यह जो प्रेजेंट है किस रूप में प्रेजेंट है N2 के रूप में प्रेजेंट है मतलब यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम मिलके N2 बनाएंगे तो इस रूप में प्रेजेंट है ठीक इसी प्रकार आपके पास यदि एक ग्लास वाटर है तो यह छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एच टू ओ तो आप देखें कि यहां पर बहुत छोटे छोटे एच टू ओ के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह एलिमेंट का क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स तो एक ही एलिमेंट के एटम या अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट है उसके एटम ज्वाइन करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो ये तो मैंने आपको तुरंत बताया जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का दूसरा एटम आपस में ज्वाइन करेगा और क्या बना देगा ओ टू मॉलिक्यूल बना देगा ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दो एटम ज्वाइन करेगा और एच टू ओ बनाएगा इस प्रकार से आप इक्वेशन के रूप में इसे नहीं दिखा सकते मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और ये किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन करते हैं तो यहां से आपका एक प्रश्न हो सकता है हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड तो जब एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टूगेदर विथ केमिकल बॉन्ड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम तो एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वह एक ही प्रकार के एटम से मिल के बना होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट सचेज आर्गन हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन ऐटम ऑफ दैट एलिमेंट तो आप देखेंगे कि एलिमेंट आर्गन है तो वह सिर्फ एक, एक एटम से मिलके बना हुआ है एलिमेंट हीलियम है तो वह सिर्फ एक ऐटम से मिलके बना हुआ है तो आप बोलेंगे कि यह एक ऐटम क्यों है क्योंकि इसके सामने दो नहीं लिखा हुआ है तीन नहीं लिखा हुआ है तो यदि सिर्फ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मतलब यह जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ एक, एक एटम है आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स मैंने आपको बताया है चैप्टर के पहले ही अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये तो मैं बार बार आपको बताता हूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेगा केमिकली बॉन्ड करेगा और O2 बनाएगा ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं तो दो एटम्स होते हैं आप बोलेंगे कि कैसे पहचानेंगे तो यहां देखिए यहां पर दो लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं डाई मॉलिक्यूल कहते हैं तो यहां से आपका एक प्रश्न आता है डाई मॉलिक्यूल किसे कहेंगे तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स का यूज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल या फिर मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक एटम का यूज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनो एटामिक मॉलिक्यूल इफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इन टू अ मॉलिक्यूल इन स्टीड ऑफ द यूजल टू वी गेट ओजोन तो यदि मान लीजिए कि आपको तीन ऑक्सीजन एक साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा ओ बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ओजोन तो यहां भी एक प्रश्न हो सकता है हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड वेन थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड इट फॉर्म्स ओजोन द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी तो यहां से भी आपका एक प्रश्न हो गया वट इज एटोमिसिटी तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इसका एटोमिसिटी मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज़ कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ आइटम्स बॉन्डेड टुगेदर तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल्स के और कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन के जिनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है वे बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहां एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स को दिखाया गया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट ये देखिए नॉन मेटल है और यह है मेटल तो नॉन मेटल मेटल बार बार आ रहा है इसलिए मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं तो जैसे कि बार बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं यहाँ पर 118 एलिमेंट का वर्णन किया गया है तो आप देख सकते हैं इन 118 एलिमेंट में इन्हें मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलवाइड के रूप में बांटा गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन का ग्रीन ग्रीन है ये सब मेटलवाइड हैं बाकी यहाँ इधर ये यह सारे आप देख सकते हैं ये नॉन मेटल्स हैं जबकि यहाँ देख सकते ये येलो बॉक्स वाला पूरा और इधर ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है हीलियम भी यहाँ नॉन मेटल है बाकी यहाँ देख सकते हैं ये जो सारा यहाँ दिख रहा है आपको ये सारा यहां भी ये सारे मेटल्स हैं तो आप देख सकते हैं एलिमेंट को हम लोग तीन रूपों में डिवाइड करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइट ये सारे मेटल हो गए यहां आप देख सकते हैं और इधर नॉन मेटल हो गए और यहां पर आप देख सकते हैं ये मेटेलवाइट के उदाहरण हो गए तो आप पीरियोडिक टेबल अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें क्लास टेंथ में भी आपको इसे पढ़ना है तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया गया है और यहाँ एटॉमिक सिटी बताया गया है कि वह एक एटम के बने हैं दो ऐटम के बने हैं या फिर चार ऐटम के बने हैं यहाँ देख सकते हैं आर्गन क्या है मोनो हीलियम क्या है मोनो ऐटोमिक तो ये आप याद कर लें यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि यदि आर्गन एलिमेंट जो है वह मॉलिक्यूल जब बनाएगा तो कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा तो मोनो ऐटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा या फिर यह प्रश्न आ सकता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का उदाहरण दीजिए तो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये सब क्या है आपके नॉन मेटल हैं इसके बाद फास्फोरस सल्फर है तो फास्फोरस देख सकते हैं ये एटॉमिक है मतलब इसमें चार एटम होते हैं सल्फर आप देख सकते हैं पॉली एटॉमिक है क्योंकि सल्फर एस एट के रूप में रहता है मतलब इसमें आठ एटम मिलते हैं तो यह एक मॉलिक्यूल बनाता है इस प्रकार से आप मेटल भी दे सकते हैं सोडियम मोनो एटॉमिक है आयरन मोनो एटॉमिक है एल्यूमिनियम मोनो एटॉमिक है कॉपर मोनो एटॉमिक है तो इसे आप याद कर ले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछ जाते हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद